एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपकी सबकी स्टडी अच्छी चल रही है और क्लास ट्वेल्थ का जो भी है आपका सब अच्छे से जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो तीन चैप्टर्स शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ पर बोर्ड एग्ज़ाम। अगर आप ये तीन चैप्टर्स कर लेते हो तो बिलीव मी आपको 60 मार्क्स तो कन्फर्म है। आई एम टॉकिंग अबाउट OCM सब्जेक्ट, ठीक है। तो OCM सब्जेक्ट में सबसे जो तीन चैप्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैंने रिविजन सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसमें भी आप जाके वॉच कर सकते हो। तो फर्स्टली एक्चुअली 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट इसमें से भी 3 चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये 3 चैप्टर आप कर लेते हैं तो आपकी हाफ प्रिपरेशन तो ऐसे ही हो जाएगी। चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एग्ज़ाम में एटलीस्ट 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 16 टू 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो 15 मार्क्स आपका चैप्टर नंबर 2 से कवर हो जाता है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जो मैंने ऑलरेडी 4 पार्ट में अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। तो ये चैप्टर नंबर 4 जो है वो विद ऑप्शन जो है 24 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और विदाउट ऑप्शन जो है वो 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो 24 मार्क्स और 20 मार्क्स आपके यहाँ कवर हो गए, तो 15 प्लस 20 यहाँ पे कितने हो गए, पर 35 मार्क्स हो गए। और लास्ट जो चैप्टर है वो है मार्केटिंग का, चैप्टर नंबर 8। ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर का भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर ये चैप्टर भी आप कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, लाइक आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये 3 चैप्टर हैं जो आप अच्छे से कर लीजिए और जितना हो सके आप ऑब्जेक्टिव से फोकस कीजिए। अगर आपकी अभी तक पढ़ाई नहीं हुई है तो ऑब्जेक्टिव को टारगेट बनाइए और टारगेट बनाने के बाद आप एग्ज़ाम लीजिए, क्योंकि अगर आप फॉर समहाउ आपने लॉन्ग आंसर प्रिपेयर नहीं किया तो शॉर्ट पे ही फोकस कीजिए। तो ये 3 चैप्टर पढ़िए और मुझे बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसे हुई, और एनी काइंड ऑफ यू नीड हेल्प तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।